ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सम्मानी भक्त सज्जन, भक्तिमती माताएं, मेरे लिए भी साहिब जी की ओर से आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालनार्थ आप सभी के बीच सद्गुरु कबीर साहेब की वाणी के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रही हूँ। सद्गुरु कबीर साहेब की एक प्रसिद्ध शाखी है जिसे आप सभी संतों से सुने ही हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाध। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, साधु सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, जिनका आचरण सही है, जिनका व्यवहार रहनी सही है, जिनका खान पान सही है, ऐसे व्यक्ति की संगत करो। ओछी संगत क्रूर की, और यदि तुम गलत व्यक्ति की संगत करते हो तो तुम्हारे जीवन में हर समय व्याध पीड़ा ही पीड़ा रहेगी। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, समाज का अभिन्न अंग है। एक एक व्यक्ति को लेकर के समाज का निर्माण होता है, और जैसे व्यक्ति होता है वैसे समाज होता है। यदि एक व्यक्ति सुधर जाता है तो पूरा समाज सुधर जाता है। इसलिए मैत्री शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुधरे समाज राष्ट्र व्यक्ति से, सुधरे समाज राष्ट्र व्यक्ति से, इसका असर विश्व पर हो, जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृति घर घर हो। किससे? एक व्यक्ति से। यदि एक व्यक्ति बदल जाए, सुधर जाए, तो एक परिवार, समाज और पूरा देश बदल सकता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उतना ज्ञान नहीं रहता, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी समझदारी आती जाती है। उनको क्या सही है क्या गलत है धीरे धीरे समझ में आता है, और जैसे संगत करता है वैसे ही उनको समझ में आता है। यदि सही पथ का वो चुनाव कर लेता है तो उनका जीवन सुंदर बन जाता है, और यदि वह बच्चा गलत दिशा में गलत रूट में चला जाता है तो उनका जीवन पतन के गर्त में चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि गिरता है जब विचार तो गिरता है आदमी, और जब उठता है विचार तो उठता है आदमी। विचार जब बदल जाता है तो आदमी जो है ऊपर उठ जाता है। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग से जुड़ जाओ, अच्छे लोगों से जुड़ जाओ, ताकि तुम्हें क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस में हमारी हानि है और किस में हमारा लाभ है, इसकी जानकारी जब तक हम सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम नहीं जान पाते हैं। तो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों, संत गुरुजनों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, इसकी भी हमें जानकारी, छोटी छोटी बातों की भी जानकारी नहीं होती है। तो ये जब हम संत गुरुजनों से जुड़ते हैं तब हमें ज्ञान होता है। जो माता पिता हमें कठिन
कष्टों को सहते हुए हमारे जीवन को जीवन का पालन पोषण करते हैं, उन माता पिता को हम क्या देते हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो माँ हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रहकर कठिन कष्टों को सहते हुए जीवन और मौत से जूझते हुए हमें जन्म देती है, उस माँ के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं। हम उनको 9 महीने भी घर में नहीं रख पाते। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि होठों पर हंसी देखी अंदर नहीं देखा, होठों पर ऊपर से खुश रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर मन में कितना गम भरा रहता है। इसीलिए कहा है कि होठों पर हंसी देखी अंदर नहीं देखा, जीवन में मिले गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन दुनिया है जरा इसका गौर करो, कितनी हसीन दुनिया है जरा इसका गौर करो, मरमर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। ऊपर से हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं लेकिन अंदर में कितना दर्द छिपा रहता है। तो आज माता पिता की ठीक से सेवा नहीं हो पा रही है, कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा है। तो ये सब की जानकारी जब हम सत्संग में आएंगे, जब हमको सद्विचार मिलेगा, अच्छा विचार मिलेगा, तब हम अपने कर्तव्यों को जानेंगे। संत गुरुजनों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। और जब तक हमारे जीवन में सद्विचार नहीं आएंगे तो हमारा जीवन जो है ऐसे ही दुखों की आग में जलते जलते कट जाएगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। एक बात और होती है कि व्यक्ति को अच्छी जगह जाने के लिए कितना सोचते हैं कई लोग जो होते हैं, जाए कि नहीं जाए, लेकिन कुसंग में जाने के लिए, गलत जगह जाने के लिए एक पल भी विचार नहीं कर पाते हैं कई लोग, तुरंत चले जाते हैं। और अच्छी जगह जाने के लिए कई बार विचार करते रहते हैं। तो हमको संत गुरुजनों के शरण में जाने के लिए तुरंत जाना चाहिए। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाध। यदि गलत लोगों की संगत करेंगे तो हमारे जीवन में पीड़ा ही पीड़ा आएगी, और यदि हम संत गुरुजनों के चरणों को पकड़ लेंगे तो हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। यदि हम तन मन धन से सेवा करना चाहे संत गुरुजनों के, जिसमें आप तन से स्वस्थ हैं, आपके मन से जो मन की शक्ति मिली है तो मन से सेवा कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, और आपको अपने कर्म के अनुसार आपने जो पुरुषार्थ किया है तो धन की प्राप्ति हुई है, तो आप धन से भी सेवा कर सकते हैं। 3 माध्यम है सेवा करने का, तो आप धन से भी कर सकते हैं। एक कहानी है कि एक गांव में आग लग गई थी और पूरा गांव जो है बहुत भयंकर आग लगी थी तो जल रहा था। गांव के सभी लोग आग बुझाने के लिए लगे हुए थे, सभी प्रयास कर रहे थे, किसी न किसी प्रकार से अपने अपने ढंग से तरीके से आग बुझा रहे थे। वही एक चिड़िया थी, वो भी आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। वो चिड़िया क्या करती थी, अपने चोंच से वहीं पर जो झील था, तालाब था छोटा सा, उसमें से पानी भर करके लाती थी और वो आग में डालती थी। वहीं पर एक बंदर बैठा था, वो देख रहा था कि ये क्या कर रही है, इतनी भयंकर आग लगी है और ये जरा सा थोड़ा सा पानी ले ले जा करके डाल रही है। बंदर बोलता है, कहानी जो है समझाने के लिए, कि बंदर कहता है कि तो ये क्या कर रही है ना, समझी का काम कर रही, इतनी भयंकर आग लगी है तुम्हारे, थोड़ा से पानी डालने से आग बुझेगी। चिड़िया कहती है कि आप सच कहते हैं, आप ठीक कर रहे हैं कि मेरे द्वारा जो पानी मैं डाल रही हूँ उससे आग बुझेगी नहीं, लेकिन जब भी
लेकिन जब भी इस घटना का इतिहास कहा जाएगा, सुना जाएगा या लिखा जाएगा, तो मेरी मुझे आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में मेरा नाम लिखा जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। तो हम जिस प्रकार से भी सेवा कर सकें और अपने जीवन को सुंदर बना सके, ये सत्संग से ही हमको मिलेगा। जब तक हमारा हम अच्छे लोगों के संग नहीं करेंगे, इसका मतलब हम बुरे लोगों के संग कर रहे हैं। हम हमारा जीवन जो है अच्छे लोगों के साथ नहीं बीत रहा है, इसका मतलब बुरे लोगों के साथ बीत रहा है। तो हम संत गुरुजनों के शरण में आए और अपने जीवन को सुंदर बनाए। मैं कह रही थी कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाद। हमें किस लिए संत गुरु जनों की संगत करना है? जिसको जो व्यक्ति जिसमें जिसको लाभ निश्चय होता है वो उसके पास जाता है, और संत गुरु जनों की भक्ति करो, साधना करो, इस प्रकार से भी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। जिसको जहाँ लाभ निश्चय होगा वो व्यक्ति वहाँ जाएगा। एक भूखे व्यक्ति को यह नहीं सिखा जाता कि भोजन के प्रति कैसे ललक पैदा करनी है, ये बताने की जरूरत नहीं। जब उनको भूख लगती है तो ऑटोमेटिक उनकी इच्छा होती है। एक माँ को बच्चों को कैसे प्रेम करना है वो नहीं सिखाया जाता, वो अपनत्व, वो प्यार, वो स्नेह की भावना स्वयं आ जाती। इसी प्रकार से यदि हमें आत्म कल्याण करने की, शांति पाने की इच्छा है, तो हम स्वतः संत गुरु जनों के चरणों में खींचे चले आएंगे। और यदि हमारे हमको वो शांति, वो आत्म कल्याण की इच्छा ही नहीं है, तो हम दूर जाएंगे। इसलिए सिखाने की जरूरत नहीं, अंदर से स्वतः ऐसा भाव उत्पन्न होता है संत गुरु जनों को देख करके, तो हम खींचे चले आते हैं। और जिनके अंदर में वो भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो नहीं आते। पास में ही घर है, पास में ही उनको ज्ञान की धारा गंगा बह रही है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसके अंदर में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, अपने कल्याण की इच्छा होती है, वो स्वतः चले आते हैं। तो इस प्रकार से हमें तीन अवस्था मिला हुआ है, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा। ये आत्म कल्याण के लिए तीन अवस्था है। तीनों अवस्था में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो बचपन में नहीं समझ पाते हैं, तो वो खेलने में, कूदने में, कमाने में इधर उधर अपने जीवन को बिता देते हैं। तो कई लोग होते हैं जो बचपन में समझ जाते हैं कि मुझे ये जीवन क्यों मिला है। कई जन्मों का पुण्य होता है, तभी ऐसा सोच और समझदारी आती है, तो समझते हैं कि ये जीवन मुझे आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे लोग जो बचपन में समझ जाते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते, बचपना में उनका जीवन ऐसे ही बीत जाता है, तो जवानी में समझते हैं। जब जवानी की देहरी पर पांव रखते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये जीवन मुझे भक्ति करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। वे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, वंदनीय हैं, जो जवानी की अवस्था में समझ गए। नहीं तो जवानी में समझना तो और बड़ी मुश्किल है। देखिए, हम सत्संग स्थल पर अनेक जगहों में हम लोग जाते हैं सत्संग में, तो जवान लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। और यही सोच है लोगों के मन में कि जवाने में भक्ति क्या करें, बुढ़ापा आएगा उस समय कर लेंगे। इस सोच के कारण ही नहीं आ पाते हैं। अभी तो और चीजें हासिल करनी है, संसार को देखना है, ऐसे सोच रखते हैं।
तो इस प्रकार से वो बड़े धन्य हैं, सौभाग्यशाली है जो जवानी की अवस्था में समझ लेते हैं और कल्याण करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में भी नहीं समझ पाते, तो बुढ़ापन आता है तो उसमें समझ जाते हैं। वे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, वे भी वंदनीय हैं, ना सही सुबह ना सही सांझ, ना सही सुबह ना सही दोपहर सांझ ही सही, मंजिल तो पाली। समझ में तो आ गया कि चलो दो अवस्था मेरा बीत गया, अब लास्ट ये है बुढ़ापे का अवस्था, तो इसमें समझ जाते हैं। तो वे भी कहते ना कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। इस प्रकार से तीन अवस्था है आत्म कल्याण करने के लिए। तीनों अवस्था में हम समझ सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, उस आत्म शांति को, उस स्वरूप स्थिति को पाने के लिए हम भी प्रयासरत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से संत गुरुजनों के चरणों में अपने आप को सिलेंडर कर दे, ऐसे कि भक्ति जो है दिखावा ना हो। भक्ति भी क्या आजकल दिखावा हो गया है, हम दिखावा करते हैं, असली भक्ति नहीं कर पाते और अपने आप को संत गुरु के चरणों में समर्पित नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से हमें सच्चे संत गुरु यदि मिल गए तो उनके चरणों में अपने आप को हम समर्पित कर दें, जिस प्रकार से रास्ता बताएं, हमको दिखाएं, तो उनके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन जो है अवश्य सुंदर बनेगा और हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो हम दिखावा न करें और सच्ची भक्ति करें, संत गुरुजनों के चरणों में आकर के अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संत गुरुजनों को त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए, सभी को साहिब बंदगी करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, साहिब बंदगी साहिब।